ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 14 नवंबर 2018 बुधवार का दिन है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। श्रवण नामक नक्षत्र रहेगा। मकर राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। व्रत पर्व एवं त्योहार की यदि हम बात करें तो सहस्त्रबाहु जयंती इस दिन रहेगी। दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा करना नुकसानदायी साबित हो सकता है। यदि किसी कारणवश आपको उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो धनिया खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेके 1:30 यानी 1:30 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव तुला राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु भी वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार 7 राशियों की खुलेगी किस्मत, बदलेगा इनका भाग्य। ये 7 राशियां इस प्रकार है: मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, मकर और मीन। इन 7 राशि वालों का भाग्य बदल सकता है। इनके किस्मत के माध्यम से कुछ इनको लाभ भी मिलने वाला है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।